3.4 निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। पहला का पहला सवाल है करणी 1 प्लस cos x। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, समाकलन है इसलिए इसको i के बराबर लिख लेंगे। i बराबर समाकलन का निशान लगाना है करणी 1 प्लस cos x और यहाँ पर लिखना है dx। अब इसको पहले हमको सरल करना पड़ेगा, उसके बाद ये समाकलन होगा। तो 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है, आपको याद रखना है 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, ये बहुत बार इस्तेमाल होगा। वैसे ही 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x, जब ये प्लस रहेगा तो cos और माइनस रहेगा तो साइन। 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इसको आपको याद रखना है। ये समाकलन dx, यहाँ पूरे का करणी, क्लियर हुआ? ये इसका फार्मूला है, किसका? 1 प्लस cos x। यहीं पर अगर माइनस रहता, जैसे 1 माइनस cos x रहता तो इसका फार्मूला होता 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब यहां देखिए ये वर्गमूल दोनों के लिए है, तो अलग अलग इसको लिखेंगे। ऐसे ये समाकलन करणी 2 अलग कर देंगे, 2 के लिए है, और ये हो जाएगा करणी cos स्क्वायर x बाई 2। तो यहां से स्क्वायर ऑफ करणी कट जाएगा, तब यहाँ पर क्या बच गया आपका, ये करणी 2। तो करणी 2 को अचर राशि को अलग कर देंगे, ऐसे समाकलन ये हो गया cos x बाई 2 और ये क्या हो गया dx। बस समझ में आया, करणी 2 को अलग कर दिए, अब cos x बाई 2 का समाकलन होगा। ध्यान देंगे अगर केवल cos x रहता तो डायरेक्ट इसका समाकलन होता, cos x का समाकलन होता है sin x, लेकिन x बाई 2 है तो इसको t मान के बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग इसे पहले वाले प्रश्नावली में बना चुके हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, x बाई 2 को t मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माना x बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, t हो जाएगा, जिसको मानते हैं उसका अवकलन ये हो जाएगा, 1/2 को अलग करेंगे, d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर d बाई डी एक्स क्या होगा, t होगा। तो ये हो गया 1/2, x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पर इसको अभी x का अवकलन 1, फिर ये हो गया dt by dx, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1/2, तो dx ऊपर आ जाएगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर, ये नीचे है तो ऊपर, तो ये हो जाएगा 2dt। मतलब आप dx के बदले क्या लिख सकते हैं, 2dt लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे वापस ये वाले में, तो ये हो जाएगा आपका, इसलिए लिखेंगे i बराबर ये करणी 2 हो गया समाकलन, यहाँ पर देखिए cos का cos रहेगा, x बटे 2 के बदले क्या लिख सकते हैं t, और dx के बदले क्या लिख सकते हैं 2dt, ध्यान देंगे ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 2 अचारा से किधर लाएंगे, 2 करणी 2 हो गया समाकलन cos t dt। अब जैसे cos x का समाकलन sin x होता है, वैसे ही cos t का समाकलन क्या होगा, sin t होगा, तो 2 करणी 2 ये क्या हो गया साइन टी। अब टी के बदले रख देंगे, टी के बदले एक्स बाई 2, 2 हो जाएगा, तो 2 करणी 2 साइन एक्स बाई 2, ये क्या है इसका आंसर है। क्लियर इतना? तो ये टी मानने वाले कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। देखिए दूसरा सवाल है करणी 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको पहले सरल करना पड़ेगा, उसके बाद ये समाकलन होगा। तो देखिए यहाँ से इसको पहले आई के बराबर लिख लेंगे, आई बनाकर आप माना करके भी लिख सकते हैं, समाकलन करणी 1 प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए इसमें ये 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो वो वाला फार्मूला नहीं लगा देना, 1 प्लस कॉस एक्स वाला, केवल कॉस रहेगा तो उसमें फॉर्मूला है, इसको बनाएंगे। इसमें आपको ध्यान देना है कि 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा इसके बराबर 1। और ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स का फार्मूला होता है आपका 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होता है, क्लियर हुआ?
साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और इस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर क्या होता है, एक होता है। अभी सब क्या बन गया, अपने आप में एक तो फार्मूला बन गया। ये कौन सा फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये ए बराबर साइन एक्स बाई टू मानेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ ये आपका फार्मूला हो जाएगा। चूँकि यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर होता है ए प्लस बी पूरे घात दो, मतलब तीन ठो है वो कितना ठो हो जाएगा, दो ठो हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे भी इसमें भी तीन ठो है, एक दो तीन ठो, इसको दो ठो बना देंगे तो ए बराबर साइन एक्स बाई टू मानेंगे और बी बराबर क्या मानेंगे, कॉस एक्स बाई टू, फिर ये दो ठो हो गए पूरे घात क्या हो जाएगा, दो। ये किससे हुआ, फार्मूला से। अब ये हो गया, देखिए यहाँ से इसमें कर्णी लगा था तो यहाँ कर्णी लगाते जाना ऐसे पूरे का इस प्रकार। तो ध्यान से देखिए ये वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, क्लियर है। वर्गमूल को कर्णी भी बोलते हैं, मैं कभी कर्णी तो कभी वर्गमूल दोनों इस्तेमाल करता हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या बच गया आपका, साइन एक्स बाई टू प्लस ये बच गया कॉस एक्स बाई टू और ये डी एक्स। अब दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे, यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा अलग अलग ऐसे साइन एक्स बाई टू, फिर यहाँ डी एक्स लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू ये डी एक्स। समाकलन करते हैं तो समाकलन का निशान और डी एक्स उसमें रहता ही है। तो अभी इसका समाकलन करेंगे, अब एक्स बाई टू है तो डायरेक्ट नहीं होगा। देखिए साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स। तो अभी जस्ट हम बनाए पिछला सवाल में, ये एक्स बाई टू था तो डी मान के बनाए थे, क्लियर था। तो यहाँ पर देखिए कितना आया था, टू डी टी आया था, तो यहाँ पर इसको मानना पड़ेगा, माना x बाई टू बराबर क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एक बटे दो अलग d बाई डी एक्स एक्स, फिर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ये t, तो x का अवकलन एक हो जाएगा यहाँ पर dt टी बाई डी एक्स। अभी एक कम एक ही होगा तो डी एक्स ऊपर चला जाएगा, यहाँ से दो ऊपर चला जाएगा तो डी एक्स बराबर कितना होगा, टू डी टी, ये तो एक कम एक हो गया तो डी एक्स उड़ा डी एक्स ही होगा। फिर यहाँ से लिखेंगे इसलिए i बराबर, ये समाकलन इसमें आ जाएंगे आपका ये वाला, ठीक है। ये साइन हो गया आपका, साइन x बाई टू के बदले क्या लिखेंगे, t, और x बाई टू के बदले t हो गया और dx के बदले क्या हो जाएगा, टू डी टी, यहाँ से हो जाएगा आपका इंटू हो गया टू डी टी प्लस वैसे ये क्या हो गया, कॉस एक्स बाई टू के बदले टी और डी एक्स के बदले क्या हो जाएगा, टू डी टी। तो यहाँ से साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस, हाँ दो को अलग कर देंगे, दो को अलग कर देंगे और ये हो जाएगा आपका साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी का समाकलन होता है साइन टी, फिर दो को अलग कर देंगे, क्लियर हुआ। दो अचार अस्सी इसलिए, अब दोनों में दो कॉमन है तो इस प्रकार लास्ट में इसको लिख सकते हैं, आई बराबर दो कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पर आपका बच गया माइनस कॉस टी और यहाँ पर आपका बच गया साइन टी, क्योंकि दो दोनों में है। तो अभी हो गया दो माइनस कॉस टी के बदले रखेंगे एक्स बाई टू और ये साइन हो गया, फिर टी के बदले रखेंगे एक्स बाई टू, तो इस प्रकार ये हो गया। देखिए माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, अब जमा के चाहे लिखना चाहे तो प्लस वाले पहले लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू और माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं, प्लस तीस में जोड़ देंगे, ये इसका। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए दूसरा सवाल सरल है, बना सकते हैं आप। तीसरा का देखिए एक दो तीन चार सवाल दिया है, चारों अलग अलग टाइप से बनेगा, मतलब इसे फार्मूला लगेगा अलग अलग। जैसे इसमें साइन टू एक्स है कॉस थ्री एक्स है, इसमें टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगेगा। जैसे इसमें कॉस फोर एक्स कॉस टू एक्स है, इसमें टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला लगेगा। और इसमें साइन सेवन एक्स साइन एक्स है, इसमें टू साइन ए साइन बी का फार्मूला लगेगा, क्लियर है। जो कि कक्षा ग्यारहवीं गणित में है ये सब फार्मूला, यहाँ पर देखते जाइए।
पहले इसको आई के बराबर लिखेंगे, आई बराबर समाकलन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको फार्मूला आपको बनाना है। फार्मूला कैसे बनेगा, आपको अपने मन से ऐसे दो बटे दो लिखना है, क्योंकि दो बटे दो लिखेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, आखिर दोनों दो कट जाएगा तो आखिर वैसा ही है। इसको क्यों भी ऐसा, क्योंकि ऊपर में हमको फार्मूला बनाना है, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स इसका फार्मूला बन जाएगी, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन गया। तो यहाँ से हम एक बटे दो को अलग कर लेंगे ऐसे, तो समाकलन क्या हो गया, टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और टू साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला होता है साइन टू एक्स होता है, याद रखें इसका फार्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स। क्लियर इतना, ये जो फार्मूला से आया आपका टू साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला साइन टू एक्स। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर टू एक्स को आपको क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा, माना टू एक्स बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे, टू डी बाई डी एक्स एक्स, फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स टी, यहाँ से टू हो गया एक्स का अवकलन एक, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो दो एकम दो होगा तो डी एक्स इधर आ जाएगा, ये हो गया आपका डी एक्स, और ये हो गया डी टी, ये दो एकम दो, तो दो कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि हमको डी एक्स का मान निकालना रहता है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए आई बराबर यहाँ पर आ जाएंगे, ये क्या है आपका एक बटे दो पहले से है, फिर समाकलन लिखेंगे साइन टू एक्स को क्या माने हैं टी, और डी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं डी टी बाई टू, यहाँ से फिर से एक बटे दो इधर आ जाएगा, ये दो दूनी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, समझ में, इस दो का इस दो से गुणा होगा तो दो दूनी कितना हो गया चार, और ये हो गया आपका समाकलन साइन टी डी टी। अब साइन टी का समाकलन होगा जैसे साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, वैसे ही साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी, अब टी का मान रख देंगे, टी का मान कितना है टू एक्स है, इसका उत्तर कितना आ गया, ये हो गया माइनस हो गया वन बाई फोर कॉस टी के बदले रखेंगे टू एक्स प्लस सी, ये क्या है इसका उत्तर है। दूसरा सवाल है, देखिए साइन टू एक्स कॉस थ्री एक्स, इसको आई के बराबर पहले लिखेंगे, समाकलन साइन टू एक्स कॉस थ्री एक्स, ये डी एक्स। अब इसको आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा, कौन सा, इसमें भी आपको दो बटे दो लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका आई बराबर, यहाँ दो बटे दो अपने मन से लिखेंगे फार्मूला बनाने के लिए, साइन टू एक्स हो गया कॉस थ्री एक्स, ये डी एक्स, तो ये एक बटे दो को अलग कर देंगे, यहाँ से जो दो है टू साइन टू एक्स कॉस थ्री एक्स, और ये डी एक्स। अभी फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया, यहाँ लिखेंगे चूंकि टू साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला है। क्लियर है, यहाँ पर ये दे सकते हैं, सब फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा, यहाँ पर ये जो चार्ट फार्मूला देखिए, टू साइन ए कॉस बी का है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, वैसे टू कॉस ए साइन बी का यहाँ पर प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, और वैसे टू कॉस ए बी का है ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और टू साइन ए साइन बी का है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये सब का फार्मूला है। तो यहाँ से अब इसमें रखना है, देखिए ए बराबर आपको मानना है टू एक्स, ए बराबर क्या मानना है टू एक्स, ये जैसे ये टू एक्स है ना, ये ए का मान है और थ्री एक्स इसका मान है बी का मान है, उसको इस फार्मूले में आपको रखना है। तो यहाँ से ये एक बटे दो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये साइन हो गया आपका, ए के बदले आपको लिखना है टू एक्स और बी के बदले लिखना है थ्री एक्स प्लस, फिर साइन लिखना है, ए के बदले लिखना है 2x और b के बदले लिखना है 3x। क्लियर हुआ, क्लियर है, समझ लेंगे, a बराबर 2x और b बराबर 3x, ये रख दिए। अब इसका काम खत्म, एक बटे दो तो पहले से है, अब देखिए ये हो गया एक बटे दो, साइन का साइन रहेगा, तीन और दो कितना हो गया 5x,
प्लस ये साइन हो गया, देखिए ये माइनस और ये प्लस है तो घटेगा, तीन में से दो गया, एक एक्स तीन बड़ा है इसलिए माइनस, यहाँ से हो जाएगा आपका एक बटे दो, ये हो गया साइन फाइव एक्स हो गया, और याद रखेंगे साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर समाकलन क्या लगाएंगे, अच्छा यहाँ समाकलन लगाते जाना है आपको, ये समाकलन हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, समाकलन डी एक्स, समाकलन डी एक्स, याद रखेंगे चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस ये वाला माइनस इधर आ गया। अब इसका अलग अलग समाकलन करेंगे, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया ये एक बटे दो तो वैसी रहेगा, समाकलन करेंगे समाकलन साइन फाइव एक्स डी एक्स, यहाँ समाकलन लगाएंगे साइन एक्स डी एक्स, क्लियर है, एक बटे दो को तो वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से साइन एक्स है तो साइन एक्स का डायरेक्ट समाकलन होता है क्या, माइनस कॉस एक्स, तो इसमें आपको टी नहीं मानना पड़ेगा, लेकिन साइन फाइव एक्स है तो इसमें आपको क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। तो बार बार आपको अब टी नहीं लिखना है, मतलब आप समझ जाएंगे तो वैसे टी को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ से सिंपल सा बता रहा हूँ, साइन होता है माइनस कॉस, तो ऐसे लिखेंगे माइनस कॉस फाइव एक्स ही लिखेंगे, जो अचर राशि उसको नीचे लिख देंगे, अचर राशि इसमें क्या है पाँच, तो पाँच को लिख देंगे नीचे में, सिंपल सा ट्रिक है। अवकलन में क्या करते हैं, ऐसे सामने में लिखते हैं इधर, और समाकलन में नीचे में लिख देते हैं अचर राशि को, तो पाँच कहाँ आ जाएगा नीचे, और साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स साइन एक्स का समाकलन, तो इस प्रकार ये हो गया आपका एक बटे दो माइनस कॉस पाँच एक्स बटे पाँच माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, एक है इसका उत्तर। क्लियर इतना, ये साइन फाइव एक्स है, फाइव एक्स को वैसे भी आप टी मान के ऐसे बनाएंगे, ऐसे फाइव एक्स बराबर अगर टी मानेंगे अवकलन करेंगे तो फाइव डी बाई डी एक्स एक्स फिर डी बाई डी एक्स टी, तो एक्स का अवकलन है तो पाँच बचेगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर आएगा पाँच कहाँ आएगा नीचे आएगा ना, तो डी टी बाई फाइव, आगे पाँच को आपको नीचे में ही लिखना है, तो इसीलिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ऐसे। देखिए तीसरा सवाल है, इसको आई के बराबर लिखेंगे, ये आई बराबर हो जाएगा समाकलन कॉस फोर एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स, इसको भी फॉर्मूला बनाना है तो अपने मन से ऐसे दो बटे दो लिखना है, तो कॉस फोर एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स, फिर एक बटे दो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर क्या बचा दो टू कॉस फोर एक्स कॉस टू एक्स ये टी एक्स। अभी फार्मूला बने कौन सा टू कॉस ए कॉस बी, यहाँ लिखेंगे चूंकि टू कॉस ए कॉस बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये क्या है इसका फार्मूला है, तो यहाँ ए बराबर क्या मानना है आपको फोर एक्स मानना है, बी बराबर क्या मानना है टू एक्स मानना है, क्या देंगे ए बराबर 4x और b बराबर 2x, ये समझाने के लिए लिखा हूँ, यहाँ से हो जाएगा आपका i बराबर 1 बटे 2 तो पहले से है, अब इसमें आपको मान रखना है ये हो जाएगा आपका cos a के बदले हो जाएगा 4x और b के बदले 2x, फिर प्लस cos a के बदले 4x और b के बदले 2x, क्लियर इतना, ये हो जाएगा 1 बटे 2 cos हो गया, चार और दो कितना होगा छः एक्स प्लस कॉस, चार में से दो बटाएंगे दो एक्स, ये डी एक्स, यहाँ समाकलन लगाते जाना है, तभी हो गया एक बटे दो, दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे, ये हो जाएगा कोष्टक लगाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका समाकलन कॉस सिक्स एक्स डी एक्स, फिर समाकलन करेंगे कॉस टू एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखिए एक बटे दो वैसा ही रहेगा, अगर केवल कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स का आपका समाकलन होता है साइन एक्स, लेकिन इसमें देखिए छः एक्स है, इसमें क्या है दो एक्स है,
तो इसको टी मानना पड़ेगा, 6x को, फिर 2x को वैसे, फिर मानना पड़ेगा यू मानना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉस होता है साइन, यहाँ पर लिखेंगे साइन 6x लिखेंगे, अचर राशि क्या है 6, तो उसको लिख देंगे नीचे में, क्लियर हुआ, टी मानेंगे ताकि 6 नीचे ही आए। वैसे ही कॉस में क्या होता है साइन, तो साइन 2x ही लिखेंगे, अचर राशि क्या है इसमें 2, तो उसको लिख देंगे नीचे में, क्लियर। इतना यही क्या है इसका उत्तर है, और ये इसमें प्लस सी इसमें जोड़ देंगे। इसका चौथा सवाल जो है ये साइन से, एक साइन एक साइन इसी प्रकार बनेगा, 2/2 करेंगे, इसमें फार्मूला ये 2sin A sin B, तो आपको फार्मूला ये वाला लगाना है इसमें, ये वाला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, बाकी क्या है ये सेम बनेगा उसी टाइप का। और एक चीज ध्यान देंगे, जैसे जो एक तो फार्मूला होता है, जैसे कहीं पर आया आपका, इसको अलग से बता रहा हूँ, इसका हो गया, कहीं पर आपका आया जैसे कि कॉस माइनस थीटा आया, आप उसको प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये फार्मूला है इसका। वैसे ही जैसे साइन माइनस थीटा आता है, इसको तो ही बताया हूँ, ये माइनस सामने में आ जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा, इसको आपको ध्यान देना है, ये दोनों क्या है इसका नियम है या फार्मूला, समझ सकते हैं इसको। तो कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए और फार्मूला सही तरीके से लगाएं।